Good evening, and welcome to lecture number 4 of the chapter cell, and also very, very warm welcome to the best channel of Khan Academy, that is Neat Notebook, जहाँ पर आपको मिलते हैं ऐसे awesome, awesome, pretty, pretty handwritten notes. Yes, okay, मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं लाइव हुई या नहीं. Okay, now. Perfect. Evening, how are you? Everyone. जो जो बच्चे एक्टिव हो गए और जिन्होंने अपने फ्रेंड्स लोग को ये शेयर कर दिया है, जो भी टेलीग्राम चैनल्स पे आप हैं, सारे ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको बता दीजिए हम अभी लाइव हैं. राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए, परफेक्ट. हाय श्रद्धा, निकिता, वैभव, मंगेश, अरमान, किटू, मोहित, सिमी. अच्छा, अभी मेरे को बताओ, अब वो बच्चे हार्ट बनाएंगे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी फोर्थ लेक्चर, यानी जो अटेंड कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं. यस, बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल लैग नहीं हो रहा. ओहो, इतने सारे जन, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की. आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीवन इज देयर. परफेक्ट, मंगेश, ज्योति, सिमी, श्रद्धा, वर्षा, फर्स्ट ईयर. ओके, चलो, नितिन, हाय नितिन. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, और लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट सेल एनवेलप and its modification. The cell envelope and its modifications, अलग अलग topic है आपके NCERT में भी, ये para है. That is what we going to cover in today's session. Ready everyone? Awaaz clear? Video clear? Everything is clear? Yes? Sure. Yes, yes, very good evening. Okay, so before we start with that, let me first have a very quick introduction with you guys. My name is Kajal Singh, I'm your biology NEET educator, and hum milenge specials par bhi, plus par bhi. Timings mein aap log ko filhal ye pure hafte ka timing mein aap log ko already share kar chuki hu. So the coming week, aaj hamara Sunday hai. कल से मैंने नीट आपके चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मैंने टाइम टेबल भी शेयर कर दिया है अलोंग विद द टॉपिक. राइट, टॉपिक के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें शेयर कर दी गई हैं. टाइमिंग मैं फिर भी आप लोगों को वापस से बता देती हूँ. स्पेशल यूट्यूब का टाइमिंग यही होगा, हम हर हफ्ते यूट्यूब पे यही टाइम पे मिलेंगे 6 बजे. स्पेशल का 3 स्लॉट्स, अभी फिलहाल 2 स्लॉट्स जो फिक्स हैं. वन इज 4:30, दिस इज फिक्स्ड. अनदर वन इज 8 PM, दिस इज आल्सो फिक्स्ड. ये 2 स्लॉट्स फिक्स्ड हैं. ओनली फॉर नेक्स्ट वीक, बिकॉज अभी हमारा प्लस नहीं स्टार्ट हुआ है, तब तक के लिए 9 PM इज आल्सो वन स्लॉट, जहां पे हम करेंगे MCQ सॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. यानी कल से 9 बजे के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 से सारे चैप्टर्स, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 से सारे MCQs होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो इफ यू वांट टू रिवाइज एंड डू ऑल द चैप्टर्स, अगर आपको चाहिए, दो 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 लेक्चर्स हम रखेंगे जहां पे हम एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके. यस, तो मैक्सिमम जितना हो सकेगा वी विल कवर अप. तो एक एक दिन, एक एक चैप्टर आपको पहले से ही बता दिया गया है, सो यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन. आपको पहले से पता है चैप्टर 1 हो गया, मतलब नेक्स्ट चैप्टर 2 का होगा, फिर चैप्टर 3 का होगा, है कि नहीं? सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अटेंड ऑल द लेक्चर्स. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्पेशल्स का भी. अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आई एम टीचिंग यू ओनली जूलॉजी, सॉरी बॉटनी. यूट्यूब पे मैं आपको बॉटनी पढ़ा रही हूँ. अगर आप चाहते हैं कि जूलॉजी भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स है वो आप इन एडवांस, जैसे 22 वाले बच्चे हैं जो 12th का भी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर आर 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक, तो आप जो है प्लस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं.
यस आप या तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और अगर मेरे अलावा अगर आपको चाहिए कि और मतलब सारे एजुकेटर्स के अलावा आपको चाहिए कि एक एक्स्ट्रा मेंटोर रहे आपके साथ, एक पर्सनल मेंटोर रहे, एक पर्सनल गाइडेंस के लिए आपके पास मेंटोर रहे, जो हमारे लेक्चर होने के बाद या हमारे लेक्चर होने के पहले आपको जो भी डाउट्स आते हैं, जहां आपको हम पे डिपेंड ना होना पड़े, उसके लिए आप ये मेंटोर के पास जा सकते हैं आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से और अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट कि अनअकैडमी आपको नोट्स भी दे जो आपके घर पे डिलीवर हो, अगर आपको चाहिए कि आप जो हर हफ्ते टेस्ट लिख रहे हैं थ्रू प्लस सब्सक्रिप्शन उसका एनालिसिस आपको मिले, तो अगर आपको ये सब चीज चाहिए तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। चलिए प्राइजेस देख लेते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 2 साल का पड़ता है आपका 90,000 में, वहीं पे आपका जो प्लस है वो आता है 2 साल का आपका 50,400 में, यानी कि आपके 30.5K का आपको फर्क पड़ रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट, राइट। 12 मंथ्स का देख लेते हैं। 1 साल का आइकॉनिक है 58,500, वहीं पे आपका 12 मंथ्स का प्लस जो है वो है 34,650। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करें कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड ट्रस्ट मी आप जब ओपन करेंगे ऐप तो आपको प्राइस थोड़ा हाई दिखेगा क्योंकि ये आपके डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है, देन मेक श्योर कि यहाँ पर आप कोड डालें। देखिए यहाँ पे मेरा एक कोड डाला है KJLIFE10। आप एक और एक कोड डाल सकते हैं, वो है बायोहैंकर, जो मेरा फेवरेट कोड है, दैट इज बायोहैंकर्स, ठीक है। तो आप अपना कोड सिलेक्ट करें और अपने चॉइस के हिसाब से कोड डाल सकते हैं। स्पेशल्स की टाइमिंग क्या है मैम? स्पेशल्स की टाइमिंग 4:30, 8:00, and 9:00 फॉर दिस कमिंग वीक। चलिए ये कलरफुल नोट्स जिसके साथ अभी हम अपना प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको पीडीएफ मिल जाता है, कल के लेक्चर का पीडीएफ थोड़ा लेट हो गया आपको मिलने में, बिकॉज मुझे लगा मैंने सेंड कर दिया बट वो शेयर नहीं हुआ था ड्यू टू नेटवर्क इशू। सो फ्रॉम प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल, ये आपका लिंक है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, फॉलो करिए ताकि आपको ऐसे जो भी मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ वो सबके सब मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। एंड कोड मत भूलिएगा KJLIFE10 या फिर हमारा फेवरेट बायोहैंकर्स, दोनों से आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। साउंड इज लो, इज इट? इतना तो चिल्ला रही हूँ मैं, यस साउंड लो लग रहा है। किसको साउंड लो लग रहा है? कितने जन को साउंड लो लग रहा है? जल्दी से चैट सेक्शन में हार्ट बना दीजिए अगर साउंड बराबर है, आवाज वीडियो बराबर है, सब कुछ बराबर है, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप के बारे में, क्या? यस, सेल एनवेलप। ओ आई एम सॉरी, जब भी समझा कि साउंड बीच बीच में लो क्यों हो रहा है, वो जैकेट जो है ना माइक को कवर कर दे रहा है, तो सॉरी अभी पता चल गया, अभी हम जैकेट पे लगा देते हैं। अब आ रही आवाज मेरी बराबर से? सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया टी शर्ट पे वो माइक लगा हुआ था, अब ठीक है। चलिए टुडेज लेक्चर वी गोइंग टू कवर सेल एनवेलप। यस, पोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, कल भी हमने डायग्राम देखा था और डायग्राम में हमने देखा कि सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, बराबर। यस, सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल को कवर करने वाला ऊपर का हिस्सा, ऊपर का कवरिंग, बराबर। Most prokaryotic cells, particularly bacterial cell, क्योंकि और कौन कौन से prokaryotic cell हैं? जल्दी बताओ। 3 आपके prokaryotic cell थे जो हमने कल किए थे, जल्दी से चार्ट सेक्शन में मुझे तीनों के नाम चाहिए। What were those three? Who were those three prokaryotic cells? Yes? Come on, कौन कौन से वो 3 prokaryotic cells थे? नाम बताओ। एक तो आपका बैक्टीरिया था, यस,
आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें से एक बैक्टीरिया था, दूसरा माइकोप्लाज्मा. वेरी नाइस मंगेश. यस, दूसरा था माइकोप्लाज्मा और तीसरा था हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे. यस फॉजिया, ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है, ये क्या है, ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं. ये सब के सब हमारे प्रोकैरियोट्स हैं. तो इसमें ये बोलना चाहते हैं कि ये तीनों प्रोकैरियोट्स में से स्पेशली पर्टिकुलरली जो हमारा बैक्टीरियल सेल्स है, दे हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. इनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है. हर एक लेयर का अपना ही एक फंक्शन है. टाइम पास में कोई लेयर बना नहीं है. जो भी लेयर्स बने हैं उन सब के अपने एक पर्टिकुलर फंक्शंस, डिस्टिंक्ट फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं. दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर. यानी कि आपके जो लेयर्स हैं सेल एनवेलप के, जो लेयर्स हैं वो सब साथ में मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो है प्रोटेक्शन का. अंडरस्टूड? यस. पीपीएलओ इज माइकोप्लाज्मा ओनली. पीपीएलओ इज माइकोप्लाज्मा. यस. चलिए, तो सेल एनवेलप की बात हो गई हमारी. यस, सेल एनवेलप में जो लेयर्स हैं, हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है. ये सारे लेयर्स साथ में काम करते हैं एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह. यानी कि ये तीनों के तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं, वो है प्रोटेक्शन. क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया है. आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया गया है जो कि सेल मेम्ब्रेन है. ग्लाइकोकैलिक्स दिख रहा है आपको. यस, अगर आपको याद है कल के पीडीएफ के डायग्राम में चेक करिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स की जगह दिया था कैप्स्यूल. है कि नहीं? टेंशन मत लो, यही ग्लाइकोकैलिक्स जब हार्ड होता है तो उसको हम कैप्स्यूल कहते हैं. और यही ग्लाइकोकैलिक्स जब एकदम स्लाइमी होता है तो हम उसको स्लाइम लेयर कहते हैं. यस एवरीवन, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. और ये छोटी छोटी जो डिफरेंसेस होती है इनको नोटिस जरूर करो. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये ऊपर का जो डायग्राम बनाया उसको बोल दिया कैप्स्यूल. तो कैप्स्यूल क्या अलग चीज है? बिल्कुल नहीं. यही कैप्स्यूल जो है, जब दैट इज नथिंग बट योर ग्लाइकोकैलिक्स. बट वो जो ग्लाइकोकैलिक्स जब हार्ड होता है इट इज नोन एज कैप्स्यूल. बट व्हेन दैट ग्लाइकोकैलिक्स इज स्लाइमी देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर. एवरीवन एग्रीज? परफेक्ट. चलो, बाकी सारी चीजें कल के लेक्चर में हमने कवर कर ली थी. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर. कितने लेयर हैं? तीन लेयर्स हैं. यस एवरीवन, यस. व्हेन इट इज स्मूथ इट इज स्लाइम लेयर्स. वेरी नाइस. तीन लेयर्स कितने हैं? तीन. थ्री लेयर्स, तीनों के अपने अपने फंक्शंस. पहला, जैसे कि हमने कहा, ग्लाइकोकैलिक्स. पहला ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल वॉल और उसके भी अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके भी अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दीज आर योर थ्री लेयर्स विच आर प्रेजेंट, जो कि आपके तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं आपका प्रोटेक्टिव यूनिट. ये बनाते हैं आपका प्रोटेक्टिव यूनिट. यानी इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का. स्पेसिफिकली आपको ये मिलते हैं बैक्टीरिया. परफेक्ट. क्या बात है. आई रियली लव दिस क्रिस्टल क्लियर मैम वाला कमेंट्स. वेरी नाइस. चलो, डायग्राम सेम है तो देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन. बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में, यही सेल एनवेलप के बेसिस पे. यानी कि अभी जो हमने ये तीन सेल एनवेलप के लेयर्स पढ़े, ग्लाइकोकैलिक्स, आपका सेल वॉल, प्लाज्मा, इसी में तीन आपके आ जाते हैं. दो टाइप के आपके बैक्टीरिया. यानी बैक्टीरिया को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन, याद रखना, बेस्ड ऑन द सेल एनवेलप लेयर्स. ये जो तीनों भी हैं ग्रुप्स, दीज आर बेस्ड ऑन सेल एनवेलप के लेयर्स. ठीक है, देयर रिस्पॉन्स टू द ग्राम स्टेनिंग. नाउ व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? नाउ इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ग्राम स्टेनिंग एक मेथड ऑफ स्टेनिंग है जहां पे हम सेल्स को स्टेन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वी आर सेल्स को स्टेन कर रहे हैं. ठीक है, कैसे स्टेन करते हैं आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे. बट ये जो है साइंटिस्ट का नाम भी ग्राम था, बराबर. कौन बताएगा फुल नेम मुझे चैट सेक्शन में? लेट्स सी हु विल टेल द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी. यस, वेटिंग फॉर द कमेंट. तो सेल्स को स्टेन कर रहे हैं ताकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको बहुत ही क्लियरली दिखे. क्या बात है, समृद्धि. क्रिस्टियन ग्राम, वेरी नाइस. तो क्रिस्टियन ग्राम जी ने ग्राम स्टेनिंग दी और इन्होंने बताया कि हम सेल्स को जो माइक्रोस्कोप में हमको जल्दी नहीं दिख रहे, अगर उस पे हमने स्टेन डाल दिया तो वो हमको बहुत क्लियरली दिखेंगे, बराबर. यस, क्लियरली देखने के लिए हम उसको स्टेन कर रहे हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग कलर, वी आर गिविंग कलर टू दैट सेल्स सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. दो टाइप है, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव. क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव. नाउ विदाउट गेटिंग इन द डिटेल, यहाँ पे जो डायग्राम है बहुत क्लियर डायग्राम है, इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये मोटा दिख रहा है, पर्पल कलर है कि नहीं? मोटा सा लेयर दिख रहा है. कौन सा लेयर है भाई? ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है. यस, कौन सा लेयर है? पेप्टिडोग्लाइकन. कैन यू सी एवरीवन? Are you able to see? Let me just write it down. ये आपका सबसे बाहर वाला जो लेयर है, yes, ये है आपका लाइपोपॉलीसैकराइड. ये है आपका लाइपोपॉलीसैकराइड. बाय चांस अगर आपको नहीं दिख रहा है इसलिए. ये जो बीच का लेयर है, ये है आपका पेप्टिडोग्लाइकन. और उसके भी अंदर जो लेयर होता है वो है आपका नॉर्मल सा सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट एवरीवन? यस, सो वी हैव लाइपोपॉलीसैकराइड, वी हैव पेप्टिडोग्लाइकन एंड वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट वन थिंग वी कैन क्लियरली नोटिस फ्रॉम दिस सिंपल डायग्राम दैट ग्राम पॉजिटिव जिसको हम बोल रहे हैं, उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर है ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक हमको ऐसा दिख रहा है जिसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर ही नहीं है, देयर एज दूसरे में लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर है. और एक और एक चेंज है कि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा पतला हो गया है, पेप्टिडोग्लाइकन पतला हो गया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम है. ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म आता है, दैट इज डन. यानी ये तीन लेयर आपके आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, आपका पेप्टिडोग्लाइकन एंड आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. यहां तक सबको सब क्लियर? हां ना, किसी को कोई डाउट यहां पे? सब कुछ क्लियर? असम असम क्लियर? यस, चलिए परफेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच. तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक सिंपल पहली बात तो हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे. ये एग्जैक्टली ग्राम स्टेनिंग होती कैसे? ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग में हम क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन डालते हैं हमारे बैक्टीरिया के ऊपर. क्या डालते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट. तो ये हमने सपोज बैक्टीरिया लिया और वो बैक्टीरिया के ऊपर हम पहले डालते हैं क्रिस्टल वॉयलेट. ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना. चलो एक एक स्टेन का पहले मैं नाम लिख लेती हूँ, यहाँ पे जगह है. ठीक है, पहला स्टेन, फर्स्ट स्टेन हमारा क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक है,
दूसरा, क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद हम उसको वॉश ऑफ कर देते हैं. क्रिस्टल वॉलेट डाला फिर उसको वॉश करें, अब ये स्टेन नहीं है, वी आर वॉशिंग इट ऑफ, सो दैट इज अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल के बाद व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग वन मोर स्टेन, सैफ्रनिन. ठीक है, सैफ्रनिन. अब ध्यान से सुनो, प्रोसेस सुनो. आपने क्रिस्टल वॉलेट डाला, वेरी वेल. क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद आप क्या करोगे, अब उसको डीकलराइज कर दो, यानी अल्कोहल डाल दोगे, जिसके वजह से जो सेल्स ने रिटेन कर लिया, यानी जो कंपाउंड्स ने ये क्रिस्टल वॉलेट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास तो क्रिस्टल वॉलेट चला गया, यानी वो कन्वर्ट हो गया इनटू ब्लू कलर. बट जिसने नहीं एब्जॉर्ब किया क्रिस्टल वॉलेट को, अल्कोहल डालने की वजह से वो वॉश आउट हो गया. ठीक है, हमको भी पता है, हम अल्कोहल यूज करते हैं कभी कभार साफ करने, सैनिटाइजर है कि नहीं. उसके बाद अल्कोहल के बाद डीकलराइज करने के बाद हमने सैफ्रनिन डाला उसके ऊपर. क्या डाला? सैफ्रनिन डाला, और सैफ्रनिन डालने की वजह से आपका वो क्या हो गया, पूरा का पूरा वो वापस से हो गया पिंकिश कलर. कैसा हो गया? पिंकिश कलर. अब क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन. व्हाट विल हैपन इज नाउ यू विल चेक इट इन द, अगेन इसको वॉश आउट करोगे अल्कोहल से नहीं वॉश आउट करोगे, पानी से वॉश आउट करके आपने उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, यस, माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद देखो क्या दिखा. तो हमने जैसा बोला कि ये आपका एक स्लाइड है, ये स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड है, ये स्लाइड के ऊपर आपने ये ऐसे सेल्स डाल दिए. ठीक है, ये सेल्स डालने के बाद इसको हमने सैफ्रनिन का कलर दिया. तो हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तो हमने ये नोटिस किया, दो टाइप के सेल्स दिख रहे थे हमको. ठीक है, एक ये सपोज माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा राउंड राउंड दिख रहा है हमको. ठीक है, एक जगह हमने नोटिस किया कि सेल्स जो है वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं. कैसे दिख रहे हैं? ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, और वहीं पर दूसरी जगह हमको रेडिश पिंक कलर के सेल्स दिख रहे हैं. ठीक है, रेडिश पिंक कलर के सेल्स. तो इस तरीके से आपको दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया के कॉलोनीज मिल रहे हैं. ठीक है, जहां पर ब्लू दिख रहा है यानी कि इसने रिटेन किया है किसको, क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन किया, यानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया क्रिस्टल वॉयलेट को. अल्कोहल डालने के बावजूद इसने क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं छोड़ा. यस, ओके. द मोटिवेटर हाउ टू परचेज एन एकेडमी स्टडी मटेरियल, फॉर दैट यू विल हैव टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन, या फिर वीडियो को थोड़ा स्टार्टिंग में देख लोगे तो पता चल जाएगा. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको जो है नोट्स घर पे डिलीवर हो जाएंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोड ले सकते हो आप, बायो हैंकर्स का कोड यूज करने की वजह से आपको जो है सब्सक्रिप्शन सस्ते में मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, एनीवे गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ब्लू कलर इसने क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन किया. क्या किया है? क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन किया. पिंक कलर जहाँ पे, यानी कि जब हमने इसको क्रिस्टल वॉलेट दिया था अल्कोहल के वजह से इसने सब वॉश आउट कर दिया, यानी इसने रिटेन नहीं किया. इसने क्या रिटेन किया? इसने सैफ्रनिन रिटेन किया. क्या रिटेन किया? सैफ्रनिन रिटेन. ठीक है, और यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन, आपका जो ब्लू कलर का जो कॉलोनीज दिख रहा है वो कौन सा टाइप है? तो वो है आपका ग्राम. जल्दी बताओ, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है आपका ग्राम पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब करने वाला, क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करने वाला ग्राम पॉजिटिव होता है. वेरी नाइस समृद्धि. क्यों? क्योंकि उसके पास मोटा पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है, उसका जो सेल वॉल होता है जिसमें मोटा पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है. यस भावना, that will absorb, retain the crystal violet. Yes? Understood, Amrish? Right?
वहीं पर जिसने क्रिस्टल वॉलेट को वॉश आउट होने दिया और सैफ्रोनिन को एब्जॉर्ब किया वो है आपका ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटा पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर नहीं है। इस हिसाब से आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं और आपको ये मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस, चलिए देख लेते हैं डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं सबको? यस एवरीवन, आर यू क्लियर? जल्दी से दिल बना दो चैट सेक्शन में, मुझे समझ में आ जाएगा क्लियर है कि नहीं। चैट पढ़ने के लिए मुझे बहुत ऐसा नजदीक जाके पढ़ना पड़ता है। यस मैम, 100% परफेक्ट। ग्राम पॉजिटिव के बारे में पहला पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करता है क्रिस्टल वॉयलेट को, यानी ये दिखते हैं नीले नीले रंग के, ये दिखते हैं नीले नीले रंग के, यानी कि इन्होंने रिटेन किया है आपके क्रिस्टल वॉयलेट को। यस, ग्राम स्टेनिंग के समय। वहीं पर आपका ये जो ग्राम नेगेटिव है उसने रिटेन नहीं किया है, ग्राम नेगेटिव नॉट रिटेन्स द क्रिस्टल वॉयलेट। ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे ग्राम नेगेटिव ने उसको क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं किया है, यानी ये ब्लू कलर के नहीं दिखेंगे। दे अपीयर इन पर्पल कलर, मतलब वही ब्लूइश पर्पल, पर्पल क्रिस्टल वॉयलेट है ना तो पर्पलिश कलर आता है माइक्रोस्कोप के अंदर। दिस अपीयर इन पिंक कलर, दिस अपीयर इन पिंक कलर, प्लीज रिमेंबर द कलर्स एज वेल। क्या दिस अपीयर इन पिंक कलर? आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बहुत ही थिक होता है, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है, यस, आपका जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है ये काफी थिक है। मल्टी लेयर्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट। नाउ वेयर इज दिस पेरिप्लाज्मिक स्पेस कमिंग फ्रॉम? अंडरस्टैंड, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म। आई होप यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म। ओके, सेल के ऊपर हमने बोला ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एक मेम्ब्रेन, कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपका सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन, बराबर कि नहीं? पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट, ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। अरे नेक्स्ट हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के ऊपर एक और एक लेयर, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के ऊपर एक और एक लेयर, कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकेन के बाद कौन सा? ये आ गया आपका लाइपोपॉलीसैक्राइड, राइट? यस, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, लाइपोपॉलीसैक्राइड हो गया। अब उनके बीच में देखिए कितने पेरिप्लाज्मिक स्पेस थे। यहाँ पे देखो ये बीच का पेरिप्लाज्मिक स्पेस वन, और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस टू, यानी मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने कौन से टाइप का सेल बनाया है? क्या मैंने बैक्टीरिया पॉजिटिव वाला बनाया है या नेगेटिव वाला बनाया है? क्या मैंने ग्राम पॉजिटिव बनाया है या ग्राम नेगेटिव बनाया है? कौन बताएगा जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर लिखो। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने जो लाइंस बनाए, जो लेयर्स बनाए जिसमें दो पेरिप्लाज्मिक स्पेस थे, यानी दो लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। वेरी नाइस, यहाँ मैंने बनाया है ग्राम नेगेटिव, वेरी गुड गाइस, वेरी नाइस। किसने पहले आंसर दिया? ओके समृद्धि, वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज हियर थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म के बाद पेप्टिडोग्लाइकेन एंड योर लाइपोपॉलीसेकेराइड, तीनों के तीनों लेयर्स आर प्रेजेंट, जिसके वजह से दो बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जा रहे हैं। वहीं पर आपका जो ग्राम पॉजिटिव है उसके पास सिर्फ दो लेयर्स हैं, वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज योर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरिप्लाज्मिक स्पेस बनता है। आर वी क्लियर विद दिस? दिस ब्रिंग्स आउट टू आर, दिस क्लियर्स आर नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि आपका जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है दैट इज एब्सेंट, मल्टीलेयर्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है किसमें, पॉजिटिव वाले में, तो नहीं है, ओनली वन। व्हेयरएज सेल वॉल इज अराउंड 20 to 30 nanometer, कितना है 20 to 30, विच इज वेरी थिक, क्योंकि आपका आपका जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बहुत ही मोटा होता है। That's why they retain the stain. That's why they retain the stain. ठीक है? Yes. Talking about gram negative. Gram negative के points cover करते हैं. Gram negative, जैसे कि हमने बोला, crystal violet को retain करता है. Yes. करता है या नहीं करता है? Crystal violet को retain नहीं करता. Very nice. क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन नहीं करता है, दैट मींस दे विल अपीयर पिंक इन कलर, दे विल अपीयर पिंक इन कलर, ठीक है? ओके, नॉट जस्ट दैट, इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये एब्सेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनका एब्सेंट है, वेयर इज ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है ये थिन है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन, सिंगल लेयर पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट। Yes, यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। सेल वॉल इज अराउंड 5 to 10 nanometer, सेल वॉल इज अराउंड 5 to 10 nanometer, यानी कि आप देख सकते हो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, yes, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है ये यहाँ पर पतला है, यानी कि 5 to 10 nanometer। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यस इट इज फॉर 22 and 23 बोथ, guys don't keep 22-23 separate, 22-23 में बस इतना ही फर्क पड़ता है कि 23 वालों के लिए 11 से compulsory start करना पड़ता है, 22 वालों के लिए 11 से करो या 12 से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दोनों पढ़ना है ना, तो 22 वालों को तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि क्या ये लेक्चर काम का है, आपको सिर्फ देखना चाहिए ये नीट का है, अच्छा मतलब मेरे काम का। एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन 11th स्टैंडर्ड आई वुड सजेस्ट प्लीज आप 11, 12 दोनों पढ़ना चालू कर दीजिए, डोंट वेट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हो गए, अब और भी डिफरेंसेस हैं आपके ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। सेल वॉल स्मूथ होता है, क्या ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल इज वेरी स्मूथ, वहीं पे ग्राम नेगेटिव पे सेल वॉल वेवी होता है। यस, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल इज स्मूथ, व्हेयरएज ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल इज वेवी। क्या ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन्स वर्चुअली नॉन लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट, व्हेयरएज ग्राम नेगेटिव हाई लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट, ये सबसे बाहर वाला लेयर था, तीसरा लेयर, बराबर, तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, व्हेयरएज इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसमें नॉन यानी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट इज लो इन द सेल वॉल, लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कम है, व्हेयरएज ग्राम नेगेटिव में लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट इज हाई इन द सेल वॉल। क्या ये तो बहुत क्लियर है, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर ही नहीं है तो कम ही होगा कंटेंट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर मोर ससेप्टेबल टू एनायनिक डिटर्जेंट्स, नाउ दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट की जगह एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है? अगर बहुत एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पूछना रहा तो ऐसा पूछ सकते, ठीक है?
ठीक है, कि मोर ससेप्टेबल टू एनायनिक डिटर्जेंट. एग्जाम्पल्स दिया है एक्टोबैसिलस, ये सारे ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं, एक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडियम एंड कॉरिनी बैक्टीरियम. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं, ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं. यस एवरीवन. मैम आज एमसीक्यूज होगा क्या? आज एमसीक्यूज करना है या टॉपिक कवर करना है? 9 बजे आई हैव केप्ट इन एंड आस्क मी सेशन, तो 9 बजे होगा ताकि हम इंटरेक्ट कर सके पहली बार ऑन द स्पेशल्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. बाकी कल से मैंने तुम लोग को दे दिया है कि कल से 9 बजे के लेक्चर में चैप्टर 1 से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, यस. यहाँ पे एक सेकेंड, ये कैटायनिक होगा. मोर ससेप्टेबल टू आयोनिक डिटर्जेंट, वेर एज दिस इज लेस ससेप्टेबल टू एनायनिक डिटर्जेंट. This is an extra point. You can also ignore this point. Not required. Lipopolysaccharide content ज़्यादा है आपके negative में. Happy Diwali by the way. And lipid and lipoprotein content भी ज़्यादा है gram negative में. Examples देख लीजिए. Acetobacter, yes. Chlamydia, Borrelia, Bordetella. Yes, ये सारे examples हैं. Enterobacter, ये सारे examples आपके बहुत important है. Now, मैं एक हिंट दे रही हूँ आपको, एक टिप दे रही हूँ यहाँ पे आपको. आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम जहां पे भी जैसे भी मिले, आप प्लीज फाइंड आउट करिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. बिकॉज आपको क्वेश्चंस जब पूछेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में, तो सिर्फ उतना ही नहीं पूछेंगे जो आपको आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक के लिए दिया है. सारे के सारे बैक्टीरिया जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उसमें से किसी को भी उठा के पूछ सकते हैं कि बता दो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव. बिकॉज दे विल से दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज देयर इनसाइड योर एनसीईआरटी. सो मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, यस. चैप्टर 1 आपने पढ़ा दिया, तुम लोग ने नहीं पढ़ा, मैंने तो बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, बट इफ यू वॉन्ट मी टू रिवाइज इट अगेन आई कैन डू दैट. तो ये सारे डिस्कशन जो अभी तुम लोग कर रहे हो ना, वी विल हैव अ डिस्कशन एट 9 PM. Yes everyone, you आठ बजे के सेशंस में आ जाओ. 8 बजे, 8 PM, ठीक है. 8 PM के लेक्चर में यू कैन आस्क मी ऑल दीज क्वेश्चंस स्पेशल्स पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. 8 PM यू कैन आस्क मी ऑल ऑफ दीज डाउट्स. आई विल हेल्प यू गाइस. ठीक है, चलिए. ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर्स, चलो यही मैं बता रही थी आप लोग को. देखो क्या हुआ, पहले आपने किया फिक्सेशन. ग्राम स्टेनिंग में पहला स्टेप फिक्सेशन, यानी आपने लिया आपका स्लाइड, उसके ऊपर डाला आपने अपना थोड़ा सा बैक्टीरिया. ये आपने वैसे किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जो नए नए बच्चे उन्होंने नहीं किया होगा थैंक्स टू कोरोना. यस, यहाँ पर मनीष ओके, चलो ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स के ऊपर हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया डाला. फिक्सेशन यानी कि क्या, अब ये बैक्टीरिया उड़ ना जाए, फैल ना जाए, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा हीट के ऊपर डाला, थोड़ा सा. ठीक है, जैसे कि ये कैंडल है, फ्लेम है, उसके ऊपर से थोड़ा सा 2-3 बार हिलाया, वो फिक्स हो गया, उतना हीट काफी है, वरना वो मर जाएगा. ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा. तो ये बैक्टीरिया फिक्स हो गए, दिस इज नोन एज फिक्सेशन मेथड. दूसरा स्टेप इज वी विल अप्लाई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, यानी कि उस स्लाइड के ऊपर हम पूरी तरह से क्रिस्टल वॉयलेट डाल देंगे, यानी वो पूरे सेल्स को क्रिस्टल वॉयलेट पे डुबा देंगे. यस, तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टल वॉयलेट से डुबा दिया, वॉयलेट कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, पर्पल, जैसा भी आपको ठीक लगे. उसके बाद अब हम इसको वॉश करेंगे, इस पे हम एप्लीकेशन डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन. किसका डालेंगे, वी विल गिव इट आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन के बाद हम इसको डीकलराइज करेंगे, यानी कि वी विल बी अप्लाइंग अल्कोहल. एंड डीकलराइज करने के बाद वी विल बी अप्लाइंग सैफ्रनिन. व्हाट वी विल बी अप्लाइंग, सैफ्रनिन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई वी डिड दैट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग,
फिक्सेशन करना है, यानी कि वी अप्लाइड हीट, यहाँ पे वी अप्लाइड हीट, ठीक है, दैट इज फिक्सेशन. परफेक्ट. थोड़ा सा हीट अप्लाई किया, क्रिस्टल वॉलेट डाला. क्रिस्टल वॉलेट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टेन. क्रिस्टल वॉलेट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टेन, यानी यही वो मेन स्टेन है. ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट के वंडर से हमको पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव. ठीक है, इसके बाद आयोडीन डाला. ठीक है, आयोडीन डाला. आयोडीन के बाद हमने इसको डीकलराइज कर दिया, यानी कि अल्कोहल डाल दिया. डीकलराइज करने के लिए हमने अल्कोहल डाल दिया. हमको कैसे पता चलेगा कि अच्छा क्रिस्टल वॉयलेट आया है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है. अगर क्रिस्टल वॉयलेट नहीं आया तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना. डीकलराइज कर दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कैसे पता चलेगा कि हमने स्टेनिंग प्रोसेस बराबर किया है या नहीं किया है. इसीलिए समझने के लिए कि हमने जो स्टेनिंग की है वो की है या नहीं की है, इसलिए हमने काउंटर स्टेन यूज किया नोन एज सैफ्रनिन. सो दिस इज सिंपली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ काउंटर स्टेन, कि ऐसा कलर जो दूसरा यानी कि ग्राम नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब भी करे और हमको क्लियर भी हो जाए कि हुआ है कि नहीं. क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, जब आपने क्रिस्टल वॉलेट दिया दोनों पर्पल हो गए, जब आपने आयोडीन डाला बराबर तो ये फिक्स हो गया. यहाँ पे डीकलराइज करने पे इसने अभी भी पर्पल कलर रिटेन किया है, वहीं पे आपका जो ग्राम नेगेटिव है ये कलरलेस हो गया. अब इस कलरलेस सेल को, क्योंकि हमने डीकलराइजेशन किया है, इस कलरलेस सेल को देख के हमको समझेगा ही नहीं कि हमने बराबर किया कि नहीं, इसलिए हमने काउंटर स्टेन यूज किया एंड वी पुट सैफ्रन इन. Are you understanding this, everyone? Yes? Are you guys understanding this part? सबको समझा मैंने क्या बोला? Yes, everyone? Very clear? Come on. Okay. चलो, no doubts with this, then we can move ahead. तो ये पूरा process होने के बाद बेसिकली आपको पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव. ओके, नाउ कमिंग टू ग्लाइकोकैलिक्स. तो हमने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि ग्लाइकोकैलिक्स भी दो टाइप का हो सकता है. ठीक है, अगर ये बहुत लूज है तो इसको कहेंगे स्लाइम लेयर. मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो उसको कहेंगे स्लाइम लेयर. वहीं पे अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है तो उसको कहेंगे कैप्स्यूल. क्या कहेंगे? कैप्स्यूल. यस एवरीवन, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमको क्लियरली डायग्राम दिया है जो हमने कल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था. फाइनली सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल वॉल डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है? शेप. क्योंकि हमारा जो सेल वॉल है वो फ्रेमवर्क देता है. आप क्या देता है? इट इज लाइक फ्रेमवर्क. ये आपके सेल को फ्रेमवर्क देता है. इट्स लाइक अ बॉक्स. कि अब मैंने बॉक्स बनाया तो ये बॉक्स ऐसा ही रहेगा, ये मूव नहीं होगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा, वो बॉक्स वैसा ही होगा. उसके अंदर तो पानी भर दो या कुछ भी भर दो, वो बॉक्स वैसे का वैसा ही रहेगा. वो है हमारा सेल वॉल. ठीक है, इसीलिए जो हमारे सेल्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है वो टर्जिड होता है. यस, वो टर्जिड होता है, वो फटता नहीं है. आर यू गेटिंग इट? यस एवरीवन, यू हैव अ डाउट? भावना, यस टेल मी भावना, व्हाट्स योर डाउट? ओके, आई कैन रीड इट. व्हाई टू यूज आयोडीन इन ग्राम स्टेनिंग? पहला स्टेप हमने क्या किया था? क्रिस्टल वॉयलेट. बराबर, क्रिस्टल वॉयलेट एक मिनट तक रखेंगे, फिर हम ग्राम स्टेनिंग में सेकेंड वापस आयोडीन डालेंगे वन मिनट के लिए. इसके वजह से क्या हो जाएगा? जो आयोडीन होता है उसको हम कहते हैं मॉर्डेंट. आ गया आयोडीन. ये जो आयोडीन होता है इसको हम कहते हैं मॉर्डेंट.
मॉर्डेंट यानी कि क्या, यानी कि ये एजेंट है जो आपके क्रिस्टल वॉलेट को फिक्स कर रहा है, तो दिस इज अ फिक्सिंग एजेंट. ठीक है, दिस इज अ फिक्सिंग एजेंट जो कि आपके क्रिस्टल वॉलेट को फिक्स कर रहा है, यानी कि क्रिस्टल वॉलेट हमने डाला सेल्स पे, उसको फिक्स करने का काम आयोडीन करेगा. वो एक बार फिक्स हो गया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, फिर डीकलराइजर आए, कुछ भी आए, अल्कोहल आए, फिर भी वो वॉश आउट नहीं होता. ये है आपका फंक्शन आपके आयोडीन का. ठीक है, यस प्रांजल हेल्प्स टू गेट मोर वॉयलेट. ओह क्या बात है आकाश, वेरी नाइस. क्लियर एवरीवन? यस परफेक्ट. ऐसे रेड सिग्नल या ऐसा कुछ तो बना दिया करो तो मुझे समझेगा, वरना वो तुम्हारा चैट रह जाएगा. एनीवे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. की सेल वॉल जो है आपके शेप देता है आपके बैक्टीरिया या फिर आपके सेल्स को. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल? Yes, what do you mean by selectively permeable? Permeable मतलब permission देना, permeability यानी कि permission देना. किसी चीज को अगर हम permission दे रहे हैं तो उसको कहते हैं permeability. अगर पूरी तरह से permission दे दिया, yes पूरी तरह से permission दे दिया, तो उसको कहेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन या फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया, मतलब परमिशन देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम कहेंगे नॉन परमिएबल. और अगर हमें किसी किसी लोगों को परमिशन देना है, किसी किसी लोगों को परमिशन नहीं देना है. ठीक है, यस किसी किसी लोगों को परमिशन देना है, किसी किसी लोगों को परमिशन नहीं देना है, तब मैं कहूंगी कि मैं सिलेक्ट कर रही हूं किसको परमिशन देना है किसको नहीं. देन इट विल बी माय सिलेक्टिवली परमिएबल, और आई कैन आल्सो कॉल इट एज सेमी परमिएबल. यस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सेमी परमिएबल. यस क्या बात है आकाश, वेरी नाइस एग्जांपल. क्लियर? सो वी हैव परमिएबल, नॉन परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल. उसमें से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, पटाखे बज रहे हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल व्हिच इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू द यूकेरियोट्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकेरियोट्स का हो या यूकेरियोट्स का हो, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स का हो या प्रोकेरियोट्स का हो, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सोल्युटली स्ट्रक्चरली सेम है. चलिए बात करते हैं मीजोसोम्स के बारे में, जो कि कुछ नहीं बट एक टाइप ऑफ एक्सटेंशन है. यस इट्स अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाया है मीजोसोम्स, ये एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी में ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया है, दैट इज योर. हाँ वेरी नाइस, हाँ ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. यस चलिए, थैंक यू प्राची. ओके, स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स. यस व्हाट डू वी कॉल इट एज? मीजोसोम्स. दीज एक्सटेंशंस या तो होंगे इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स यानी कि पैकेट्स, या तो होंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब्स टाइप, या फिर होंगे इन द फॉर्म ऑफ लैमिले. यस इन द फॉर्म ऑफ लैमिले. ठीक है, यानी कि कनेक्शंस टाइप. तो ये हो गया आपके वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले, सरफेस पे जैसा दिखता है. ये कैसे होंगे? ये फॉर्म्स ऑफ मीजोसोम्स है, द फॉर्म्स ऑफ मीजोसोम्स. ठीक है, फ्लैजिला.
फ्लैजेला ये यूज होता है लोकोमोशन में. फ्लैजेला क्यों यूज होता है ये भी डिटेल में आएगा आगे, ठीक है. डिटेल में वी विल टॉकिंग अबाउट फ्लैजेला का स्ट्रक्चर. यहाँ पे वी आर सीइंग द ओवरव्यू. फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन. कैसा होता है? बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल, बट जो मोटाइल है यानी कि दे आर डूइंग मूवमेंट यानी कि दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इफ मोटाइल, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. क्या होता है? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है. इट्स लाइक अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर जिसके मूवमेंट की वजह से आपका बैक्टीरिया मूव होता है, ठीक है. तो दीज आर फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल. सेल वॉल से एक फिलामेंट निकलता है जो मूव होता है, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा सेल मूव होता है. यस एवरीवन, बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. तीन पार्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला मिलता है उसका. देखो बहुत क्लियरली लिखा है बैक्टीरियल फ्लैजेला. अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली इट्स रिटन बैक्टीरियल फ्लैजेला, यानी कि किसी भी फ्लैजेला का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है. This is particularly about your bacterial flagella. Okay? क्या है? Filament, hook, basal body. यानी ये आपका बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया का यहाँ पे जो बॉडी से अटैक है बेसल बॉडी, उसको अटकाने वाला हुक. यस, और ये आपका फिलामेंट. क्या है? फिलामेंट. तो ये सॉरी इधर बनाना चाहिए मुझे हुक. रुको मैं वापस कलर कर देती हूँ. ये आपका बैक्टीरिया, ये आपका बेसल बॉडी जो आपके सेल से अटैच्ड है. देन वी हैव अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर टू फिलामेंट जिसके वजह जो मूव होता है, राइट. और ये फिलामेंट और इसके बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला, फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला ये आपका हुक. क्या? दैट इज योर हुक. दिस वन इज योर फिलामेंट और वो आ जाता है आपका बेसल बॉडी. तो ये तीनों भी तीनों ये आपका बेसल बॉडी. तो कौन कनेक्टेड है आपके बैक्टीरियल सेल से? आपका बेसल बॉडी कनेक्टेड है हुक, आपके फिलामेंट और बेसल बॉडी के भी. खिड़की दरवाजा बंद रखने के बावजूद पटाखों की आवाज आ रही है. हैप्पी दिवाली अगेन एवरीवन, जस्ट टू रिमाइंड. चलिए not visible due to is it not visible? visible है तो ये देखो basal body who can filament. now is it visible? ठीक है चलिए next. pili and fimbriae देखो ये सारे modifications हैं आपके. yes, ये सारे आपके मॉडिफिकेशंस है बाहर वाले लेयर्स के. ये बाहर वाले लेयर्स मेम्ब्रेन जो है यही मॉडिफाई करके आपका लेयर्स बनाते हैं. यस, द पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये देखो ये पिलाई है. फिलहाल तो इसमें डायग्राम में सब सेम ही दिख रहा है, बट दीज आर ट्यूबुलर. दे डोंट मूव, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है. फिम्ब्रिए भी प्रेजेंट है जो कि स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. फिम्ब्रिए कैसे हैं? दिस इज योर फिम्ब्रिए, हियर यू कैन सी फिम्ब्रिए. फिम्ब्रिए छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. आपका जो पिलाय वो थोड़ा लंबा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, वहीं पे आपके जो फिम्ब्रिए हैं वो छोटे 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 ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. So these are like fibers which are coming out of the cell. Okay. Which bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks. यानी कि जो पत्थर पे जो bacteria grow होता है वो चिपक जाता है. वो एक anchorage के लिए. तो attachment यानी कि you will also see the word used as anchorage.
एनकरेज नहीं, एंकरेज यानी चिपकना, ठीक है, इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज, यानी जिस टिश्यू के इन्फेक्शन पहुंचानी है उससे पहले चिपकना तो पड़ेगा, तब जाके इन्फेक्शन पहुंचाएंगे। तो चिपकने के लिए, वो एंकरेज के लिए या वो अटैचमेंट के लिए जो यूज होते हैं वो ये स्ट्रक्चर्स हैं। यस, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, वेरी नाइस, क्लियर एवरीवन, कूल। चलिए, विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय होता है मनीष, वो आपका, आप जा रहे हो थोड़ा 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 जूलॉजी में, मत जाओ, रुक जाओ। और वो विलाय होता है, दैट्स नॉट पिलाय, या यू आर गेटिंग इनटू योर जूलॉजी वाला पार्ट, डोंट गो देयर राइट नाउ। यस, माइक्रो विलाय इज फॉर एब्जॉर्प्शन, पिलाय इज फॉर एंकरेज। चलिए, दैट्स इट, कोई और डाउट, कुछ पूछना है किसी को? इज एवरीवन क्लियर? माइक्रोविलाय एब्जॉर्प्शन वेयरएज पिलाय फॉर अटैचमेंट, यस आकाश, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड, क्लियर एवरीवन? यस, अगर क्लियर है, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को डाउट आ रहे हैं जूलॉजी के भी, और अगर आप चाहते हैं जूलॉजी के डाउट्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं जूलॉजी के टॉपिक्स, प्लीज आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें, और भी सारे एजुकेशन मुझसे ही नहीं, आपको सारे के सारे एजुकेटर्स के साथ कम्युनिकेट करने मिलेगा, टॉपिक पढ़ने मिलेगा। और अगर आपको मेंटोर चाहिए, बहुत फास्ट बोला ना मैंने, अगर आपको मेंटोर चाहिए, एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। किसी ने चैट सेक्शन में पूछा था कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा अनअकैडमी का, तो बेटा स्टडी मटेरियल आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, प्राइस भी बता देती हूँ आइकॉनिक का, ये देखिए ये प्राइस सेक्शन है, ये प्लस का है, तो आप अपने चॉइस कर सकते हैं। कोड बस मत भूलिएगा, या तो कोड केजे लाइफ 10 यूज करिए, या तो अभी जो मेरा कोड चल रहा है वो है बायो एंकर्स। यस एवरीवन, कूल कूल, क्रिस्टल क्लियर, ओके। जेनेटिक मटी क्या, ओके, अच्छा थोड़े ही टाइम में, 5 मिनट में मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्दी से डाउनलोड करके अपना फोल्डर बना लो, ताकि आपको इजी पड़े, यानी बाद में आपको ढूंढना ना पड़े, यानी पूरा आपको फाइल्स में ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या है। तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेंटली, मैं अभी 5 मिनट में शेयर कर रही हूँ, तो आप अभी के अभी डाउनलोड करके सेव कर लो, ताकि आपको बाद में वो ढूंढने मिले ना मिले ऐसा हो जाए, ठीक है। तो बिफोर इट गेट्स डिलीटेड, प्लीज गो एंड फॉलो योर टेलीग्राम चैनल नोटबुक अंडरस्कोर आपका अनअकैडमी। यस, ये सारे कलरफुल नोट्स के कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन के लिए जल्दी से प्लान आउट करो, बिकॉज बहुत जल्दी हमारा बैच चालू होने वाला है प्लस का, सो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। और मिलेंगे अब 1 घंटे बाद स्पेशल्स पे, यू हैव अ स्पेशल लेक्चर, यानी कि फ्री लेक्चर, तो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्पेशल लेक्चर होगा हमारा 8 बजे, टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को आपको कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, नॉट जस्ट दैट, आप जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन डाले हो जिसको मैं एड्रेस नहीं कर पाई हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कम एट 8 PM वाला लेक्चर एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, वी कैन हैव एन इंटरेक्शन ओवर देयर। टेक केयर एवरीवन, सी अस, टाट अस, बाय बायस, एंड एंजॉय योर दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड बाय।